नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिब्बे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पिपलोदा थाने से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बड़ायाला माताजी में सुबह 7 बजे नाथूराम पाटीदार अपने घर के पीछे थे। अचानक एक जानवर ने उन पर हमला कर दिया। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे, इतने में ही तेंदुए ने एक अन्य ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमला कर घबराया हुआ तेंदुआ मकान के पास एक ढालिए नुमा कमरे में घुस गया, जहाँ ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ढालिए के आस पास नेट जाल आदि बांध कर दरवाजा लगाकर उसे बंद कर दिया। उज्जैन से आए दल ने रेस्क्यू कर तेंदुए को लगभग 3 बजे पकड़ा। प्रशासनिक अधिकारी दिन भर गांव में डटे रहे। मेरे जिया जी जो गांव में सुबह खेत से मैं आ रहा था, तो मैं इनके घर में एक शेर घुसा हुआ देखा अंदर। उसके बाद में जो पीछे के बाड़े में से अंदर वो दूध निकाला तो उनके पास जाकर ऊपर जा गिरा और उनके हाथ और मुंह पे ज़्यादा चोट लगी, जो जावरा राठौर साहब हॉस्पिटल में भर्ती है। किस तरह का था जानवर, कैसा था? जानवर बिल्कुल शेर जैसा दिख रहा था, तेंदुआ। हाँ, शेर दिखता है ऐसा तेंदुआ, बिल्कुल हाँ करके जैसे आवाज़ आती है उसकी। उसके बाद में उसके भाई घर के पीछे बाड़ा है, उस बाड़े के अंदर पत्रे के नीचे उसको घेर रखा है। अभी तक सुबह 6 बजे से अभी तक घेर रखा है। गांव वालों का सपोर्ट, जिनने पहले से जाल लगा दिया था और पहले की टीम ने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, तो हम लोग को आगे हालांकि रेस्क्यू करना कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी चंदर हटा के उसको ट्रैंक्वाइल किया। सर काफी लंबा समय लग गया रेस्क्यू करने में, क्या कहाँ लगा लंबा समय? हम लोग के आने के बाद आधा घंटे में काम, क्योंकि वो छुप रहा था ना, कैमोफ्लेजिंग के लिए इतना स्पेस था, भूसा था, लकड़ियाँ थी, वेरी डिफिकल्ट टू डार्ट इट। सुबह 7:30 बजे हम लोग को सूचना मिली थी कि बड़ायला माता जी में एक पैंथर टाइप का कोई एनिमल है, वो आ गया है, उसने 2 लोगों को जख्मी भी कर दिया। हम लोगों ने तत्काल अपनी फॉरेस्ट की टीम को एक्टिवेट किया, और चूंकि ये जिस साइज़ का एनिमल है इसको हैंडल करने के जो संसाधन है वो रतलाम में उपलब्ध नहीं है, तो मैंने तत्काल सीएफ सर हैं उनसे भी बात करी, उज्जैन में रहते हैं, उज्जैन से उन्होंने टीम को मोबिलाइज करा, साथ में ही एक एडिशनल टीम इंदौर से भी मोबिलाइज करी, और टीम ने बहुत सक्सेसफुली उसको अभी रेस्क्यू कर लिया है, उसको यहाँ से लेकर के गांधी साथ मिला। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने सुबह से बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। रतलाम जिला ब्यूरो, एजाज शेख की रिपोर्ट।